अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग भी ठीक हो गया? आज का व्लॉग शुरू करते आज का व्लॉग ऐसे शुरू करते हैं। अभी ये शिबाब स्कूल से आई है, अक्सर आने वाली है। बस मैं खाना बनाने जा रही थी, आई है, ज़िद कर रही है कि मैंने ना यखनी पुलाव बना के दो, मैं यखनी पुलाव खाऊंगी। पुलाव की ज़िद कर रही है अभी। बस मैं इसके लिए मैंने निकाल के रखा था चिकन, बस अभी ये आ गई है। तो अक्सर आज मैं किचन में चलती हूँ। देखिए, मैंने फ्रीज़र से चिकन निकाल के रख लिया है, बस ये थोड़ा सा पिघलता है तो मैं बनाती खाना। ये तंग कर रही है मुझे कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो बस ये पिघल जाए थोड़ा, फिर बनाती हूँ यखनी चढ़ाती हूँ। और आज आपके साथ मैं पुलाव बनाना शुरू हो गई। ये मम्मा ने अभी यखनी चढ़ाई हुई है। यहाँ देखिए, मैंने यखनी तैयार कर चुकी हूँ। बस मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं था, बच्चों को कपड़े वपड़े देने में लग गई थी, स्कूल से आए तो मैंने जल्दी से यखनी चढ़ा दी थी। अभी मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये आज बन रहा है चिकन यखनी पुलाव, और मैं आपको आज दे रही चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमने देख चलिया, इसमें मैं ऑयल डालूंगी कम से कम एक प्याले के करीब। मैंने ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने देते हैं। देखिए गर्म हो रहा है, इसमें हम ये कटी हुई प्याज डालेंगे, गोल कटी हुई प्याज डालेंगे। मैंने 3-4 अदद दी थी, इसको मैंने गोल काट ली थी। अब इसमें डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। ये देखिए प्याज ब्राउन होने लग गई है, और हम इसको थोड़े गोल्डन कलर करेंगे प्याज को। सीमा आपको बड़ा पसंद है, मैं बच्चों को ये यखनी पुलाव। ये देखिए, ये प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ना ये चिकन डालेंगे, जो चिकन डालेंगे, जो इसमें यखनी का चिकन था ना वो डालेंगे। Thank you.
अब इसमें दो अदर टमाटर डालेंगे बारीक मैंने काट लिए थे। अब इसमें ये गरम मसाला मिक्स डालेंगे। इसमें दही डालेंगे, ये दही है, अब इसमें से डालेंगे। इसमें हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड करके रख लिया था तो मोटी मोटी, और इसमें डालेंगे हम। देखिए मसाला भुन रहा है, इसमें हम 1/4 चम्मच है ना कुटी हुई मिर्च डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें, हमने यखनी में भी नमक डाला था इसलिए इसमें कम डाला है। इसको भुनेंगे अच्छी तरह। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है हमारा, पुलाव का मसाला तैयार है, रेडी है। इसमें अब चावल डालेंगे जो हमने आधा किलो से पर भिगो के आधा घंटा पहले रख दिए थे। इसमें यखनी का पानी डालेंगे, जो यखनी तैयार की थी वही पानी डालेंगे। इसको हम पकने के लिए छोड़ते, पानी खुश होने देते चावलों में का, फिर दम लगाएंगे।
ये देखे पानी खुश्क हो चुका है पुलाव का। अब हम इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर छिड़केंगे ताकि, और हम इसको दम में लगाएंगे। इसको हमने ढक्कन ढक दिया, दम पे लगाएंगे 15 मिनट। यकनी पुलाव रेडी हो चुका है। कितना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी बना है। चले बच्चों को देते, बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही है, काफ़ी देर हो गई, 3 बज रहे, तो बच्चों को खाना देते। या मैं इसी में आपके लिए खाना ले आई, उसको भूख लग रही थी, मैं अभी नहीं खा रही, मैं नमाज़ पढ़ के खाऊंगी। और अक्सर खा चुकी थी, जैसी पका तब वैसे ही अक्सर खा चुकी थी। सीमा आप आती है तो पूछती है सीमा आपसे कि कैसा बना है। सीमा आप आ जाओ बेटा, हाथ धो के चलाओ, बैठो बताओ। ये सीमा बैठी हुई है, नमाज पढ़ के बैठी है, ये भी इसको इतनी भूख लग रही थी कि मुझे दो, मैंने कहा चलो आप खा लो, रायता निकालो। सलाद मैंने बनाया तब सिर्फ खीरा काटा है।